हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसन निसार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आपने आज जो खबरें थी वो तो देख ली होंगी, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। जो फैसला आया बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का, उसके बारे में भी बात करेंगे और उसके अलावा जो यहाँ पे एक वारंट निकल आए मुशरफ साहब के ख़िलाफ़ वो भी बात करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक किस्सा मैं छोटा सा बताना चाहूँगा बिफोर आई गो टू हसन निसार साहब। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की डेड बॉडी पड़ी हुई थी पिंडी में सेंट्रल हॉस्पिटल में, उस वक्त सेंट्रल हॉस्पिटल कहते थे उसको, उसके बाद उसका नाम चेंज हो गया। वहाँ पे मैं पहुँचा तो एक कमरे में, एक छोटे से कमरे में, मतलब एक कॉरिडोर था, कॉरिडोर के अक्रॉस द कॉरिडोर मोहतरमा की बॉडी पड़ी हुई थी और दूसरी साइड पे अक्रॉस द कॉरिडोर एक छोटा सा कमरा था, उसके अंदर बहुत से लोग जमा थे। वहाँ उनमें नाहिद खान साहिबा भी थी, उनमें शेरी रहमान साहिबा भी थी, उनमें और भी बहुत लोग थे और जो वहाँ पे मौजूद थे सब पीपल्स पार्टी के लोग थे। उस जलसे में शिरकत के लिए आए थे जहाँ पे मोहतरमा की, जहाँ पे उनको मारा गया, वो लोग उस छोटे से कमरे में थे। वहाँ जो उस वक्त का समा था वहाँ पे कि हर आंख जो थी अश्कबार, कुछ लोग इस वक्त उस दुनिया में नहीं रहे, वो भी उस कमरे में मौजूद थे। मैं उनके भी नाम नहीं, सबके नाम लेना नहीं चाह रहा, मैं इंटेंशनली नहीं लेना चाह रहा क्योंकि बड़ी दुखी दास्तान है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि वहाँ पे मियां नवाज शरीफ साहब भी आते हैं और मियां थोड़ी देर बाद डेड बॉडी देख के, कुछ घंटों बाद आए वो, डेड बॉडी देख के जा रहे थे तो वो अपनी गाड़ी में जब बैठने लगे तो उनकी आंखों से इतने इतने मोटे आंसू गिर रहे थे। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कैसा चलता रहा सिलसिला, कितने साल ये इन्वेस्टिगेशन चलती रही, लेकिन उसमें कई लोग ऐसे भी थे जो वहाँ पे मौजूद थे जलसे में, जो इस दुनिया में नहीं रहे या मारे गए, वो भी एक लंबी दास्तान है। हसन निसार साहब से सारी बातें पूछ लेते हैं कि ये जो हो रहा है, जैसे ये सिलसिला चल रहा है, ये किस तरफ, वेयर आर वी हेडिंग टूवर्ड्स। हसन साहब थैंक यू वेरी मच कि आपने इतनी पेशेंस से इंतज़ार किया और पूरी एक कड़ी थी और उसमें इतने लोग वहाँ पे, जो लोग मौजूद थे जलसे में वो भी नहीं रहे, मुशरफ को एक मरतबा फिर उन्होंने वो कर दिया जनाब, वांटेड डिक्लेयर कर दिया। अब उनके, उसके साथ क्या होगा मुशरफ के साथ, वो भी अभी देखना है। और मियां साहब भी घर चले गए और अभी भी यहाँ से नारे ज़रूर लगते हैं कि जनाब मियां दे नारे वजनगे और मियां वापस आएंगे, मियां साहब वापस आएंगे, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, ये क्या हो क्या रहा है, वेयर आर वी हेडिंग टूवर्ड्स। ही लेकिन राणा साहब ये जो है ना नारे नूरे वजनगे, ये भजनगे। अच्छा, और वो प्रोसेस शुरू हो चुका है, इसलिए ये तो बोगस बात है। ये कहते हैं एक बड़ा खूबसूरत शेर है, मौत की आखिरी हिचकी को जरा गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। सो ये वजन वजन नहीं, ये भजन पूजन का टाइम है अब। अच्छा हाँ, और आपने पूछा, मुझे सच्ची बात है इस सवाल से ही कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, कि बेनज़ीर भुट्टो के कातिलों का क्या हुआ और जो फैसिलिटेटर्स थे उनको सजा मिली, मुझे उल्टा दुख हो रहा है। ये फैसिलिटेटर ही हैं बेचारे, ये इनका क्या रौला गौला। लेकिन जाहिर है जो अदालत ने किया ठीक है और कहने की हद तक नहीं, असूलन किसी बाशऊर आदमी को अपनी अदालतों का एहतराम करना चाहिए। सुकरात को जब जेल से फरार कराने की प्रपोजल दी, ये मैंने नहीं करना, ठीक है। सो अदालती फैसले का एहतराम, भले आपके खिलाफ क्यों ना जा रहा हो। ठीक, जिस मुल्क में
इसके उसके पहले वजीर आजम से लेके लियाकत अली खान से लेके जनरल जियाउल हक तक के कातिलों का तय्यन नहीं हो सका। ठीक है, बेनजीर भुट्टो के कातिल ढूंढने में मैं तो नहीं दिलचस्पी मुझे कोई। वो कहते हैं मिल भी गया तो फिर क्या होगा, लाखों मिलते देखे हैं। अच्छा, तो ये वो हसरतों पे आंसू भाग के सो जाने वाली बात है। अच्छा, इससे भी बड़ी बात देखें, इंडिविजुअल्स वो चाहे लियाकत अली खान हो, जियाउल हक हो, बेनजीर भुट्टो, मुल्क बहुत ही बड़ी चीज है अफराद। तो यहां तो मशरकी पाकिस्तान के कातिलों का तय्यन नहीं हो सका। सो हम मतलब मैं मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है इस सवाल पे, एनर्जी अपनी वेस्ट करूं, आपका टाइम वेस्ट करूं, क्या करना है? अच्छा मिल जाएंगे तो क्या कर लेंगे? अच्छा फांसियां चढ़ा देंगे फिर क्या कर लेंगे? बेनजीर भुट्टो वापस आएगी? नहीं होगा। ये अब कोई मुल्क अगर जिस तरह के मामला शुरू हुए हैं, पहली बार जब से मैंने होश संभाला है मुझे महसूस हुआ कि शायद 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 इस मुल्क और इसके बदनसीब अवाम को कोई डायरेक्शन नसीब हो जाए। अच्छा, वो जो मैंने कहा था ना कि ये भजन पूजन का टाइम है, ये बाकी जो है ना खाता, ये एक अजीबो गरीब नंगा काम है। ये जो एनए 120 है ना जी, हाँ जी, उसमें इलेक्शन बहुत फैसला कौन है, चंद दिन बाकी रह गए हैं, कौन सोया हुआ है, किसकी जिम्मेदारी है? अभी शाह महमूद कुरैशी साहब की डिमांड 1.5 घंटा हुआ है, 2 घंटे 1.5 घंटा हुआ होगा। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था कि कितनी बेशर्मी बेहयाई से कवायद और जवाबत की धज्जियां सरेआम, कोई ये नहीं कि भाई क्लोज डोर हो रहा है, सरेआम हो रहा है। 30,000 जाली वोट, और डॉक्टर यास्मीन राशिद चीख रही है, ओ मरो हिलो कुछ करो उसका। अच्छा, हजारों के हिसाब से वहां को पख्तून रहते हैं, बड़ी देर से रहते हैं, उनके आईडी कार्ड्स को ब्लॉक कर दिया गया है। अच्छा, धड़ाधड़ तरक्याती काम हो रहे हैं, प्रोटोकॉल के साथ वो निकलती हैं उनकी साहबजादी। अच्छा, पैसा बहरहाल इनका तो धंधा काम कारोबार, दिल दिमाग इनकी ओजड़ी, इनके फेफड़े, इनके लिवर, इनकी किडनीज, सब कुछ पैसा है। वो तो खैर छोड़े, वो तो जहां से भी है जैसा भी है वो उसका इस्तेमाल छोड़ दें, आगे आ जाएं। नौकरियों की लूट से लगी है। अच्छा, नौकरियां किस चीज की मिल रही है? वो पता नहीं जी कहां मिल रही है, किसको मिल रही है, लेकिन नौकरियों की लूट सेल और बड़ी तेजी से इनका डिस्पोजल हो रहा है एप्लीकेशंस का, ये वो सारा। अच्छा, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर ये जनरली, अच्छा फ्लैक्सेस डॉक्टर यास्मीन राशिद के उतार दिए जाते हैं, इनके यानी उनके फ्लैक्सेस उतारने वाले इनके फ्लैक्सेस लगाने पे मामूर हैं, ठीक है। अब इतनी नंगी खुली सरेआम, मैं फिर कोई बंद कमरे में नहीं हो रहा, ये सरेआम हल्के में हो रहा है, शहर में हो रहा है। अच्छा मुझे बताएं, अगर ये इतने मकबूल है, इतने पॉपुलर है, तो इतने खौफजदा क्यों? लेकिन हसन निसार साहब एक बात देखे ना, ये जो लगे होते हैं बिलबोर्ड्स या फ्लेक्सी लगे होते हैं, ये तो हर इलेक्शन में दूसरी पार्टी उतार देती है, अपने लगा देती है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। क्यों नहीं है? इनके भी उतार दें फिर, इनके सरकारी अहलकार ये काम कर रहे हैं। हाँ, ये मसला हो सकता है कि सरकारी अहलकार के पैसे पे पलने वाले पालतू हैं वो ये काम कर रहे हैं। हाँ, वर्कर्स अगर एक दूसरे के साथ करें, कोई भी पार्टी हो, वेदर इट इज नून लीग और पीटीआई, वर्कर्स को मैच्योरिटी का सबूत देना चाहिए, उन्हें एक महज़ब तरीके से करना चाहिए, लेकिन वो अगर करें तो बात समझ में आती है। इधर तो टैक्स पेयर के पैसे पे पलने वाले पालतू मुलाजमीन ये काम कर रहे हैं, एक के लगा रहे हैं, एक के उतार रहे हैं। अच्छा, वो बहन है, हसन साहब, इसी तरह डॉक्टर यास्मीन साहब की बहन है। एक मिनट थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, एक ब्रेक ले लूं, वापस आता हूं, फिर यहीं से सिलसिला शुरू करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी हसन निसार साहब मेरे साथ मौजूद है। हसन निसार साहब,
आपको माजरत चाहता हूँ, एक थोड़ी सी टेक्निकल इशू आ गया था जिसकी वजह से आपकी आवाज नहीं ठीक आ रही थी। मेरे ख्याल में आप बेसमेंट पे है ना, बेसमेंट में आपके इश्यूज हो जाते हैं। जी जी जी। अच्छा अच्छा, क्या कह रहे थे जी आप, जरा वहीं से सिलसिला शुरू करें जहाँ पे आपने मुनकता किया। मुझे तो याद ही नहीं, आप मुझे याद दिलाएं मैं क्या कह रहा था। आप कह रहे थे कि जनाब ये जितने पेनीफ्लेक्स हैं जो लग रहे हैं 120 में, हाँ। वो उसको सरकारी मुलाजमीन वहां से उतार रहे हैं और सरकारी मुलाजमीन जो है वो उतार के वहां पे मरियम बीबी के फ्लेक्सेस लगा रहे हैं या उनकी वालदा के या उनकी नहीं। मेरा लंबी बात कि जी 30,000 वोट यास्मीन राशिद चीख रही हैं, वो गायब है भाई जी। किसी को शर्म हया नहीं है यहाँ, किसी की आंख नहीं खुल रही। हजारों के हिसाब से वहां पख्तूनों का वोट है बड़ा पुराना, उनके आईडी कार्ड जिन्होंने ब्लॉक किए हुए हैं। तरक्कियाती काम हो रहा है वहां धड़ाधड़, प्रोटोकॉल मिल रहा है इनको, पैसा ये अपना अलहदा खर्च कर रहे हैं, वो चाहे काला धन है, चिट्टा है, हराम का है, हलाल का है, बेतहाशा खर्च हो रहा है, नौकरियों की लूट सी लगी। मैं ऑल दिस ये इलेक्शन हो रहा है, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये वो लोग हैं जो वोट लेते नहीं हैं, ये छीनते हैं वोट, ये खरीदते हैं वोट या बटोरते हैं वोट। ये तो हसन निसार साहब, ये सिलसिला ही ऐसा बना हुआ है ना जी, सिलसिला ही ऐसा बना हुआ है। यहाँ पे सारे लोग जो है यहाँ पे बिरयानी की प्लेट पे वोट दे देते हैं, तो अगर यहाँ पे नौकरियां मिल रही है तो वो क्यों नहीं देंगे वोट। हाँ तो गलत है ना जी, फिर ये आपने इलेक्शन कमीशन और ये और वो इस तरह के जो इदारे हैं तो वो क्या कर रहे हैं। नहीं तो वो इलेक्शन कमीशन जो बना हुआ है या जो बना, उनको वो इंडिपेंडेंट कभी हो ही नहीं सकते ना, इंडिपेंडेंट है वो या कोई भी इदारा जो है इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकता, कैसे उसको मतलब देखे सारा निजाम ही जो है वो इस तरह है कि झोंके। मैं तो बार 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 कोई साल दो चार पांच साल नहीं कई साल हो गए कि ऐसी को जहन्नुम रसीद करें। नहीं तो आगे जो आगे जितने जर्नैल आ चुके हैं वो भी तो अपने काम कर चुके हैं, उनसे क्या फर्क पड़ा। नहीं मेरी बात सुने, साफ सुथरा पानी गंदे दूध से बेहतर है, ये मिलावटी दो नंबर शैम डेमोक्रेसी डाकूक्रेसी ये जो है ये ज्यादा खतरनाक है। और एक बात और, ये जो बात आपने की है मैंने सुन ली है और समझ ली है। अच्छा, उसका जवाब ये है, देखिए बात सुने, ये मुल्क अब सिविलियंस के बस का नहीं रह गया, ये मेरे सियासी ईमान का हिस्सा है। इस तितर बितर हो चुके हुजूम को ट्रैक पे लाने के लिए, इस मुल्क को कोई समझ देने के लिए कुछ और अरेंजमेंट करना होगा, वो क्या है मुझे नहीं पता। नहीं तो फिर देखिए, एक मिनट हसन साहब, एक मिनट देखिए, आप कह रहे हैं कि ये जो सिलसिला चल रहा है इट इज नॉट वर्किंग, ओके फाइन इट इज नॉट वर्किंग, चलो फिर दूसरा सिलसिला क्या होना चाहिए। यहाँ पे जब भी कोई फौजी जर्नैल आया, ठीक है उसके शुरू के साल जो होते हैं, जैसे मुशर्रफ के शुरू के 2-3 साल बड़े अच्छे थे, लेकिन जो भी जर्नैल आता है वो अल्टीमेटली जाता है सियासतदानों के पास और डेमोक्रेसी लेके आने की कोशिश करता है जी। इंटरनेशनल प्रेशर बहुत है, इंटरनेशनल प्रेशर को हो गया जी, उस पर जी डेमोक्रेसी की तरफ जाना है जी यहाँ पे, सो फिर अल्टीमेटली बैक टू स्क्वायर वन आ जाती वाली सिचुएशन हो जाती है सनी साहब। और फिर क्या सिलसिला, क्या आप बताएं सॉल्यूशन बता दें। पहले आप मुझे एक बात बताएं कि मैंने जिंदगी में आपसे कभी किसी मुलाकात में अकले कुल होने का दावा किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। अच्छा तो फिर सुन लें जी, रोल होता है, आप तिब की दुनिया में भी उठा के देख लें, डायग्नोस्टिक सेंटर आपको बताता है कि ये मैलिग्नेंट है नहीं है जो भी है, फिर आप किसी और के पास जाते हो, फिर किसी और के पास जाते हो, ठीक है, इतनी अकल किसी के पास नहीं है, ये नहीं चलने का, ये मुझे पता है। फाइन एग्रीड हसन साहब, मान ली बात, मान ली, लेकिन आगे कैसे चले आगे, मतलब अगर कोई और सिलसिला लाना है, सियासतदान अगर काम नहीं कर रहे, जमहूरियत अगर नहीं चल रही, तो आगे क्या, जर्नैल भी आके देख ली, मार्शल लॉ भी लग गए, फिर अगर सारी चीजें काम नहीं कर रही तो फिर क्या, व्हाट इज द सॉल्यूशन। मैंने वही तो अर्ज किया ना जी कि मेरा, देखें हमारा रोल है द रोल ऑफ अ कैमरा, एमआरआई मशीन का रोल है मेरा जाती तौर पे, ठीक है, और आपका भी वही है बेसिकली, ठीक है। अच्छा, या वो क्या होती है, वो उसको क्या कहते हैं, वो एक्सरे मशीन का रोल है, ठीक है। एक्सरे मशीन ने बता दिया आपको कि जी आपकी टांग में भी फ्रैक्चर है, बाजू भी टूटा हुआ है, ठीक है, ठीक है, आपकी रीढ़ की हड्डी भी डैमेज हो चुकी है,
ठीक है, अब आगे किसी और के पास जाए ना जी, मैंने को ठेका लिया हुआ अकेले ने इस मुल्क का, ये बाकियों का नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं तो 22 करोड़ जो 21.5 करोड़ आईडी कार्ड्स में से एक आईडी कार्ड हूं, और जो कह रहा हूं उसको चैलेंज कोई नहीं कर सकता। झूठ का पलंदा, मैं अभी वो NA120 की तकरीर सुन रहा था, लोड शेडिंग यूं हो गई है, फलाना यूं हो गया, मुल्क तरक्की कर रहा था, और तुम्हारा सत्यानाश, इतना बड़ा झूठ, यानी भूखे लोगों के मजमे को ये कन्विंस किस बात पे किया जा रहा है कि तुम्हारे पेट भरे हुए हैं, भूखों को कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है। अंदाजा लगाएं कि आप अपनी अम्मा जान को वोट देंगे, अंदाजा लगाएं, जिनकी गलियां टूटी हुई, गटर रुबल रहे हैं, लोग गंदे हैं, उनको नहीं पता कि प्रेशर आया है, तो ये भिकमंगे भी इकट्ठे हो गए वहां। अच्छा मुझे बताएं कि ये कहा जा रहा है हसन निसार साहब कि मियां नवाज शरीफ जो है फिर जनाब वापस आ जाएंगे, फिर वो वजीर आजम बन जाएंगे, इसके चांसेस कितने? आपने कहा आप तो इस चीज को नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ी रियलिस्टिकली अगर सोचे तो क्या चांसेस है? देखिए जी, मेरा तो ये इनका है ना, देखा जी जी, मुझे मौसम नजर आ रहा है ये कि देखो देखो कौन गया। अच्छा, और इस तरह गया कि वापस नहीं आया। अच्छा चले, मुझे इस तरह की सिचुएशन नजर आ रही है। और देखिए बात सुने, हद है, हद है, हद है हर चीज की। मुझे क्यों निकाला, ये एक विरध हो रहा है। ओ भाई, पूरी दुनिया में तुम्हारा काला धन डिस्को डांस करता फिर रहा है। अभी ताजा तरीन जो मिसाल चंद दिन पहले एक जिल्लत हुई है, कितना फाइन हुआ है हबीब बैंक न्यूयॉर्क को? हाँ, बड़ा फाइन हुआ है, बहुत फाइन हुआ। कोई बात ढकी छुपी रह गई है? कहां से पैसा राजी जाता था? अल राजी बैंक सऊदी अरेबिया, वहां से वो न्यूयॉर्क जाता था, न्यूयॉर्क से वो लाहौर जाती उमरा की HBL की ब्रांच में आता था। और खुदा के बंदो, ये तुम वाहिद लोग इस दुनिया में जिनके पैसे को सियाहत का इतना शौक है। ये पैसे के पुजारी नहीं, ये उसके मदारी भी हैं। इनका टेक्नीशियन है, इनका टेक्नीशियन है, इनका मिस्त्री है, इनका मैकेनिक है, इसहाकदार। और ये कभी तनाई में बैठ के सोचे ये खानदान कि जैसे जैसे वो करीब आता गया वो बंदा, वैसे वैसे ये पटनी से उतरते गए। ये और तरह इनको धांधली मांधली करते होंगे, शाड़ी सादी सादी बात को। लेकिन जो काम है ना एक 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 फनकार का, वो अब नतीजे हैं, देखे कहां तक चलता है। भाई कमाल ही हो गया, पनामा से लेके इंग्लैंड तक, सऊदी अरेबिया से लेके UAE तक, UAE से लेके न्यूयॉर्क तक, न्यूयॉर्क से लेके लाहौर तक, क्या है ये? पैसा छनाल है, कोई टिकती नहीं किसी एक जगह पे। अच्छा, नैब से कितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस हाई है? ये जो I'm talking about the references, जो references देखे बात सुने, इस मुल्क में सिर्फ दो इदारे हैं। अच्छा, जिनकी तकरीब मेरे दिल में है। ठीक है, एक की अब रिसेंटली डेवलप हुई है, ये भी बता दूं, पहले नहीं थी। ठीक है, वो जब फोन पे डिक्टेशन लेते थे तो उनकी इज्जत होती है। सही है, संवाद में पछताते रहे, वो इज्जत के काबिल थे। जो फोन पे डिक्टेशन लेता रहा है या जो ब्रीफ केस पकड़ते रहे हैं, ठीक है, सही है कि जी वो जजेस तकसीम हो गए। नहीं भाई, अब एक अफवाज पाकिस्तान, मेरा पुराना कॉलम है एक, मैं अभी रिसेंटली मैंने निकाला है, बिकॉज आई प्लान टू रिप्रोड्यूस इट। वो था अवाम, अफवाज और अदलिया। ठीक है, अवाम अफवाज और अदलिया रहना है, बाइज्जत रहना है। ठीक है, ये एक एक कौन बनती है जिससे मुझे कोई सूरज निकलता, कोई चांद उबरता दिखाई देता है। अदरवाइज टोटल अंधेरे का कारोबार है ये, और ये दो इदारे हैं। बाकी की परफॉर्मेंस है सामने, वो बोल रही है, मुझे बोलने की क्या जरूरत है? तो नए फैब नहीं, मुझे अपनी अदालतों से, अफवाज पाकिस्तान से। ठीक है, वो एक उम्मीद है, वो देखते हैं। और ये कैसे लोग हैं, ये बारह बारह सवाल पूछ रहे हैं, एक सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। और मनी ट्रेंड दे दो, अपनी भी जान छुड़ा लो, हमारी भी जान छुटे, काम चले आगे। वो नहीं है, किसे मुझे क्यों निकाला, कामा तो बहाना तो फलाना,
एक मतलब ऑर्केस्ट्रा है जो देखें हसन निसार साहब, देखें जो भी है जैसे भी आप तनकीद कर लें, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू डेमोक्रेसी तो आप देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब निकलते हैं इस्लामाबाद से तो वहाँ पे आगे गुजरांवाला से ऑनवर्ड्स आप देख लें उनका कैसे इस्तकबाल होता है। ये लोग ही है ना, लोग ही बाहर आते हैं ना, लोग ही वहाँ पे नाच रहे हैं ना, नोच गा रहे हैं ना, मुझे तो लोग ही वहाँ पे पैसे भी फेंक रहे हैं और लूट भी हो राणा साहब, मुझे तो आप पे भी ना कुछ शक गुजरने लगा या तो आप पिछले दिनों को अल्लाह माफ करे, अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे मेरे भाइयों आप, कि या तो पिछले दिनों आपको सर पे कोई छोटी मोटी चोट लगी है, बीमार रहे हैं आप। ओ भाई, आवाम की बात कर रहा हूँ, 29 डिशें सुनते जाएं, घर इनका गुजरा वाला पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा के क्या था, दिलों में बसते हैं वही 1 करोड़ पता नहीं 50 लाख 60 लाख मुझे फिगर याद नहीं है टोटल वोटर तुम्हारा फिनिश्ड, दिलों में बसते हैं पता नहीं कौन से दिल हैं, बाईपास करके घुसा दिया है कहीं तो मुझे नहीं पता कौन से दिलों में बसते हैं भाई। तो अगर लाहौर अच्छा पूरी रैली वो मजाक थी, वो बिल्कुल मजाक थी और इनको अंदर से पता है कि क्या था पैसा इन्होंने अच्छा वेले देते रहे ऐसे जैसे ठीक है वहां वो वेले देते रहे पूरी हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट एडी चोटी का जोर लगा के बात सुने 86 में जब बेनजीर भुट्टो वापस आई इस मुल्क में लाहौर शहर में उस वक्त आबादी कितनी थी हम बात कर रहे हैं 2017 की 2017 वो है 1986 की बात पुराने एयरपोर्ट लाहौर के से लेके दादा दरबार तक वाकई मुहावरतन नहीं हकीकतन दिल धरने को जगह नहीं थी। इसे कहते हैं पॉपुलर लीडर, इसे कहते हैं इस्तकबाल, इसे कहते हैं इजहारे यकजहती। एक तो स्पॉन्सर्ड एक सी क्लास हेविली स्पॉन्सर्ड शो बट स्टिल अ सी क्लास शो तो लोग निकल आए 20 करोड़ में से वो इतने तो मैं खड़े मेरा को 22-23 लाख तो फॉलोअर है मेरा फेसबुक पे मुझे को मैं 6-8 महीने मेहनत करूं वो इतना बंदा तो मैं इकट्ठा कर लूंगा फिर तुसी ये कौन सा काम है लेकिन तुसी फिर इलेक्शन वाले पासे ना टूर पड़ना ना नहीं नहीं मैं आदमी नहीं भेजता मैंने तो बचपन में स्कूल में कॉलेज में यूनिवर्सिटी में मुझे तो सियासत से वैसे ही नफरत है मैं मिसाल दे रहा हूं सही है अच्छा अच्छा मैं एक बात शाह इमरान खान करता है तूफान आ जाता है ये वहां से चले पंजाब और उसे जाती उम्र तक तो क्या मतलब टोप चला ली है अच्छा आप समझते हैं वैसे अभी भी पंजाब में क्या सिचुएशन बनेगी अगर इलेक्शन होते हैं 18 में तो पंजाब में क्या सिचुएशन बनती है आपको नजर आती है तो वहां पे इमरान खान इज गोइंग टू मेक इट ओवर देयर या वहां पे मुस्लिम लीग नून ही फाते होगी मुस्लिम लीग नून शून वाला तो जो है ना नून तो खैर टेक्निकली कोई नहीं अब तो टेक्निकली खत्म हो गया था कितने नून ही नाहल हो गया तो नून लीग कहां रह गई अच्छा बाकी मुस्लिम लीग की एक तारीख है 70 साल माशाल्लाह कैसी रोशन कैसी काबिले फखर कैसी काबिले एहतराम तारीख है इनकी तो देखते जाए आगे आगे होता क्या है ये जो देखें इस वक्त जो कुछ हो रहा है इसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने तो दें दरारें तो भी शुरू हो गई हैं लेकिन हम उसकी बात नहीं करते चूंकि अपरेंटली बाजार लग रहा है ठीक है आपके नजदीक ये को मजाक है हमजा शहबाज अगर बाहर जाके बैठा है तो इट इज नॉट टू बी टेकन वेरी लाइटली देखें क्राइसिस में आप मेरे साथ खड़े नहीं होते और आप कहते हैं मैं न्यूट्रल हूं या वैसे वर्षा आपको कोई प्रॉब्लम हो भाई या दोस्त है और मैं कहता हूं कि मैं न्यूट्रल हूं तो मेरा आपके और आपका मेरे लिए न्यूट्रल होना दरअसल मुखालफत है एक दूसरे की अच्छा
वो भाई भी है सुबाई सतह के लिए कुछ तैयारी शैयारी भी है, तो वो एक और ये होना है आज नहीं तो कल, ये रुक ही नहीं सकता। वो कहते हैं ना किंगशिप नोज नो किंगशिप, इक्तदार का कोई रिश्तेदार नहीं होता, और होता है तो एक आध जनरेशन है। वो मियां शहबाज शरीफ ने काफी ग्रेस, काफी मैग्नानिमिटी, काफी ताबेदारी, मेरा ख्याल है इससे बेहतर और अच्छा भाई तो वो बयाना दे के स्पेसिफिकेशन दे के नहीं बनवाया जा सकता। सही, लेकिन अगली नस्लें को ठेका लिया इनकी गुलामी का, जैसे ये अवाम को अपना गुलाम समझते हैं, उन्होंने खानदान के अंदर भी जरा ग्लोरिफाइड गुलाम उनको समझना शुरू कर दिया है। ये नहीं चलेगा दूर तक। ये आप कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को समझना शुरू कर दिया? नहीं, मतलब जो हुआ है, देखिए बात सुने, पहले वो हर्ट होते थे, अब हर्ट की जगह इंसल्ट का लफ्ज मैं इस्तेमाल करूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं एक ब्रेक ले लूं क्योंकि यहाँ पे बार बार मुझे कह रहे हैं ब्रेक ले लूं। एक ब्रेक लेके वापस आते हैं हसन निसार साहब, थोड़ी सी और बातें आपसे कर लूँ मैं एक ब्रेक के बाद।